Hello students, you are welcome in maths class. Today I am here with chapter number 13, Reflection and Rotational Symmetry. According to previous video, I had told you what is symmetry. So again I want to tell you, if you have to find the line of symmetry, then you have to divide that figure into equally part. If one part, one half, you will put another, then exactly that part should be covered by the other. अगर आप किसी भी फिगर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें और वो उठा के आप उल्टा करके एक दूसरे पर रखें और पूरी तरह से कवर कर ले, तो समझ लीजिए वो उसका वो सिमेट्री फिगर है, अदरवाइज नॉट. जैसे मान लीजिए एक ये आपका रेक्टेंगल है, इसको आपने ऐसे फोल्ड कर दिया, यहां से आपने फोल्ड कर दिया और इसको उठा के आप ये दोनों पार्ट अलग कर लेंगे. अलग करने के बाद ये कंडीशन हो जाएगी, एक पार्ट ये हो जाएगा और दूसरा पार्ट ये हो जाएगा. अब इसको आप पलट देंगे, ये ऐसे ही रहेगा और ये आपका ये हो गया. इसको उठा करके आप इस पे रखें और ये पूरी तरह से कवर कर ले, तो जान लीजिए ये सिमेट्रिक फिगर है. और जितने तरीके से आप उसके हाफ पार्ट को करके उस पे रख कर एग्जैक्टली कवर करते हैं, उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री मानी जाती है. जैसे ये आपका रेक्टेंगल है, एक बार आप ऐसे करेंगे तो इसको उठा कर रखेंगे तो ये हो जाएगा. और अगर मान लीजिए इसको आप ऐसे करते हैं तो ये वाला उलट कर आप इस पे रखेंगे, मतलब एक पार्ट ये हो जाएगा और दूसरा पार्ट इसका हो जाएगा. इस तरह से जब आप अलग करेंगे और फिर इसको उठा करके इस पे रखेंगे तो पूरी तरह से कवर कर लेगा. तो इस तरह से रेक्टेंगल में दो लाइन ऑफ सिमेट्री खींची जा सकती है. तो उसी हिसाब से आपको बताना है. अब एक्सरसाइज नंबर 13.1, आई एम गोइंग टू टेल यू. आई विल टेक फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 13.1. हियर इज गिवन, राइट टू लेटर्स, कह रहा है दो लेटर बताइए ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. इंग्लिश अल्फाबेट के दो ऐसे लेटर बताइए जिसकी की रिफ्लेक्शनल सिमेट्री लाइन खींची जा सकती है. तो उसमें पहला दिया है नंबर ए, क्वेश्चन 1A, इसमें दिया है कि लाइन ऑफ सिमेट्री उसमें खींची जाए, लेकिन कैसे, वर्टिकल लाइन के द्वारा खींची जाए. जैसे भी हमने रेक्टेंगल का बताया तो आपको पता है इस तरह से अगर ऐसे आप खींचेंगे तो वर्टिकल लाइन खींच जाएगी. और अगर इसी रेक्टेंगल को आप इस तरह की जब लाइन ऑफ सिमेट्री खींचेंगे तो हॉरिजॉन्टल होगी. तो वही पूछ रहा है कि ऐसे इंग्लिश के दो लेटर बताइए जिसमें वर्टिकली सिमेट्रिक लाइन खींची जा सकती है. तो वो कौन कौन से होंगे आप बताइए. जैसे एक तो आपका हो जाएगा ए हो जाएगा. क्यों, ए को आप ऐसे सिमेट्रिक लाइन खींचेंगे, ये दो पार्ट में आपका डिवाइड हो जाएगा. तो पहला का आंसर ए होगा. ए और टी एक लेटर है ये. अब इन दोनों को आप चेक कर सकते हैं. जैसे ए का इस ए है आपका, इस तरह से आप खींचेंगे ये ए है. अब इसमें आप ऐसे सिमेट्रिक लाइन ड्रा करेंगे, ये वर्टिकली हो गया. टी है आपका, टी को ऐसे आप वर्टिकली इस पे खींचेंगे तो कुछ पोर्शन इधर हो जाएगा, कुछ पोर्शन इधर हो जाएगा, ये और ये दोनों आपके ऐसे बन जाएंगे, ये बन जाएगा और इधर इस तरह का फिगर बनेगा. अब इसको पलट करके आप वही रिफ्लेक्शन
इमेज कहता है, ये पलट कर आप रखेंगे तो ये इसको कवर कर लेगा और ये लाइन जो है इस पे आ जाएगी। तो इस तरह से वर्टिकली सिमेट्रिक लाइन खींचे जाने वाले दो लेटर आपके क्या हैं, ए और टी है। तो इसमें क्या पूछा गया था कि ए वर्टिकल लाइन, इसमें क्या होगा, ए वर्टिकल लाइन खींची जा सकती है। दूसरे में पूछा जा रहा है कि ऐसे दो लेटर बताइए जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जा सके, बी में हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन आप सिमेट्री खींची जाए, तो वो कौन कौन से लेटर हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपके समझ आने लगेगा। एक लेटर आपका बहुत से आंसर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है अभी हमने बताया ए और टी हो सकता है आंसर, हमको छोड़ दिया गया हो या कोई और बताए, तो कई चीजें हो सकती हैं। ए और टी के अतिरिक्त भी कोई होगा, जैसे मान लीजिए एच है, एच है तो एच को भी ऐसे अगर आप सिमेट्रिक लाइन खींचेंगे तो एक आंसर एच भी हो जाएगा। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन के आंसर कई हो सकते हैं, क्लियर है। तो पर ये दो जो बताया गया है ये भी सही है, तो इसको आप जानते रहिए। फिर अब हॉरिजॉन्टल पूछा जा रहा है, हॉरिजॉन्टल के लिए देखिए एक लेटर आपका एच ही है, एच को आप ऐसे काट देंगे तो ये और ये इस पे रखेंगे, दोनों एक दूसरे को कवर करेंगे तो एक आंसर एच हो जाएगा। और भी एक लेटर है बी है, जैसे इसमें आ जाएगा बी और के, ये दो लेटर इसके आंसर में आते हैं। बी को देखिए कहाँ से काटेंगे आप, यहाँ से ये उठा करके इस पे रखेंगे और ये दोनों एक दूसरे, तो ये कैसी लाइन है ये जो देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल है। तो वही पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टली जो सिमेट्रिक लाइन खींची जा सके ऐसे दो लेटर बताइए, तो वो क्या है, बी और के है। उसी तरह से अब तीसरा पूछ रहा है कि बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हो, सी वाले में पूछ रहा है वर्टिकल भी हो, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, इसमें वर्टिकल भी खींची जा सके हॉरिजॉन्टल भी खींची जा सके, ऐसे लेटर बताइए, दो बताना है। तो आपको भी मैंने बताया एक एच होता है और आई भी आपका हो जाएगा ऐसे, जैसे एच एच और आई है, तो इसको कैसे करेंगे, एच को ऐसे कर देंगे तो ये भी हाफ हाफ हो जाएगा और इधर से करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल हो गई और ये वर्टिकल हो गई। उसी तरह से आई आपका है, आई को आप ऐसे ऐसे काटेंगे तो आधा इधर हो जाएगा और फिर आई को ये वर्टिकली हो गया और ऐसे आप खींचेंगे तो ये पोर्शन पलट कर आप इस पर जब रखेंगे तो ये भी आपका वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। तो इसके आंसर में आता है एच और आई आता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है गिव फोर एग्जांपल्स ऑफ फिगर्स हैविंग नो लाइन ऑफ सिमेट्री। चार ऐसे, सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि चार ऐसे एग्जांपल बताइए जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं खींची जा सकती है। जैसे तो एग्जांपल बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसका कि आप जो है लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं खींच सकते हैं। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपका बल्ब जो जलता है वो भी आप लेंगे तो उसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं खींची जा सकती है, और ये फैन आप ले लेंगे तो फैन का भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं खींची जा सकती है। तो ऐसे आपको चार एग्जांपल्स बताने हैं, बहुत से एग्जांपल्स होंगे, आप कुछ भी बता सकते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात। और एक की होती है, क्या की में भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं खींच सकते हैं। और अभी हमने फैन बताया, बल्ब बताया, गोल्फ स्टिक होती है जिससे, या हॉकी स्टिक होती है उसकी भी आप सिमेट्री लाइन नहीं खींच सकते हैं। तो बहुत से एग्जांपल हैं, क्या कोई भी आप फोर लिख सकते हैं। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में है कि व्हाट अदर नेम
कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब एक आइसोसेलीस ट्रायंगल है, मान लीजिए एक आइसोसेलीस ट्रायंगल है, तो पूछ रहा है कि उसमें जो सिमेट्रिक लाइन खींची जा सकती है उसका क्या और नाम हो सकता है। जैसे आइसोसेलीस मीन्स यू नो टू साइड शुड बी इक्वल ऑफ ए ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हैं तो वो आइसोसेलीस होता है। जैसे अब ये मान लीजिए आइसोसेलीस है, इसकी एक सिमेट्रिक लाइन ऐसे आप खींचेंगे, ये खींचेंगे आप, तो ये सिमेट्रिक लाइन का मतलब है ये उठाकर एग्जैक्टली इस पे रखेंगे, दैट मीन्स इस एंगल का हाफ होगा, ये हाफ और ये हाफ होगा, तो इसका एक आपको बताया गया था मेडियन भी कहा जा सकता है, परपेंडिकुलर भी कहा जा सकता है इस लाइन को, ये परपेंडिकुलर भी हो जाएगा, मेडियन भी हो जाएगा। तो इस तरह से पूछ रहा है कितने नाम हो सकते हैं, एंगल बिसेक्टर हो जाएगा क्योंकि इस एंगल का, इस एंगल का ये बिसेक्टर है, ये इक्वल होगा तो एंगल बिसेक्टर हो जाएगा, मेडियन हो जाएगा और परपेंडिकुलर भी होगा। तो एल्टीट्यूड और मेडियन, तो इस तरह से इसके ये नाम हो जाएंगे। क्या 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 हमने बताया, एंगल बिसेक्टर हो जाएगा, एक मेडियन हो जाएगा, एक अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। तो इस तरह से आइसोसेलीस के ये तीन नाम हो सकते हैं, आप इसको राइट कर लेंगे। दूसरा दिया है इसमें कि ए रंबस है, रंबस मीन्स यू नो सभी साइड जिस फिगर की इक्वल होती हैं वो रंबस होता है। तो आप कहेंगे कि स्क्वायर की भी सभी साइड इक्वल होती है, लेकिन स्क्वायर और रंबस में अंतर है, रंबस में सभी साइड इक्वल होते हैं लेकिन सभी एंगल इक्वल नहीं होते हैं उस, और स्क्वायर में सभी एंगल 90-90 डिग्री होते हैं, तो यही दोनों में डिफरेंस है। तो रंबस में क्या किया जाता है, रंबस का सिमेट्रिक लाइन इस डायगोनल से खींची जाती है, एक इस डायगोनल से और एक इस डायगोनल से, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, सीधी सी बात है, जो कॉर्नर से होकर दूसरे कॉर्नर को मिला या अपोजिट कॉर्नर को मिला है वो दैट इज डायगोनल है। तो इसमें इस सिमेट्रिक लाइन, दो ही सिमेट्रिक लाइन रंबस में खींची जा सकती है, और उसका एक और नाम आप लिख सकते हैं, उन दोनों को डायगोनल से बोलते हैं। अब चलिए उसके बाद एक सर्कल आता है, सर्कल में जैसे ये सर्कल है, ये आपका पॉइंट है, कई इसमें आप खींच सकते हैं, ऐसे खींचेंगे आप तो हाफ ऑफ होगा, जब भी खींचेंगे एकदम सेंटर से होकर जितनी लाइनें जाएंगी बहुत से, तो सर्कल में बहुत सी सिमेट्रिक लाइन खींची जा सकती है, और इसको क्या कहते हैं, जो सेंटर से होकर के एक छोर से दूसरे छोर तक सर्कल को तक पहुंचे उसको डायमीटर भी कहते हैं। तो इस सिमेट्रिक लाइन में जो सर्कल की सिमेट्रिक लाइन होती है उसका एक दूसरा नाम होता है, उसका नाम क्या है, डायमीटर होता है। रंबस का डायगोनल होता है, इसका डायमीटर होता है, और आइसोसेलीस का भी हमने बताया कि इसका मेडियन भी बोल सकते हैं, एंगल बिसेक्टर बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन थे आज के आपके, और शेष क्वेश्चन पर मैं कल डिस्कस करूंगा। तो आज इतना ही, अब उम्मीद करता हूँ कि आप इससे बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे और आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। तो नोट डाउन योर होमवर्क डू क्वेश्चन 1-5 फ्रॉम एक्सरसाइज 13.1। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।